स्टॉकहोम सिंड्रोम, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें बंधक बने शख्स को अपने अपहरणकर्ता से ही प्यार हो जाता है। वो उससे, उसकी सोच, उसके काम से, उसके एजेंडे से, उसकी मांगों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जयपुर में, जब पुलिस ने करीब 14 महीने पहले अगवा हुए बच्चे को बरामद करके घर वालों के हवाले किया। फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चा अपनी मां के पास जाने के बजाय किडनैपर से लिपट कर रोने लगा। वो अपनी मां के पास जाने को तैयार ही नहीं था। इस दौरान किडनैपर की आंखों में भी आंसू आ गए। दरअसल 11 महीने के मासूम को पिछले साल 14 जून को घर से अगवा कर लिया गया था। बच्चे की मां सांगानेर की रहने वाली पूनम चौधरी ने बच्चे के अपहरण का केस दर्ज कराया था। पूनम के मुताबिक 14 जून 2023 को चार आदमी उसके घर पर आए और 11 महीने के मासूम बच्चे को उठा कर ले गए। उन चार अपहरणकर्ताओं में से एक आरोपी तनु चाहर है। आरोपी तनु चाहर पूनम चौधरी के मामा का लड़का बताया जाता है। पुलिस ने मासूम बच्चे की तलाश के लिए तमाम कोशिशें की और आखिरकार 14 महीने बाद आरोपी पकड़ा गया और मासूम बच्चे को उसके कब्जे से मुक्त कराया गया। तनु चाहर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस एक साल तक उसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला है। तनु चाहर यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, जिसे गायब होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। जयपुर पुलिस ने तनु चाहर के परिवार वालों और तमाम रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई। कुछ दिनों पहले ये पता चला कि वो वृंदावन परिक्रमा के रास्ते में साधु बनकर फरारी काट रहा है। एक जगह पर रहने के बजाय वो अलग अलग ठिकानों पर डेरा डालता है, ताकि पुलिस उसे पकड़ न पाए। तनुज को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस भी 22 अगस्त से वृंदावन धाम की परिक्रमा करने लगी। 27 अगस्त को तनुज के बारे में सुराग मिलने पर टीम के सदस्य उसके पास पहुंचे। भनक लगते ही आरोपी तनुज बच्चे को गोद में लेकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने 8-10 किलोमीटर तक पीछा करके उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तनुज चाहर अपनी बुआ की लड़की पूनम को अपने पास रखना चाहता था, जबकि पूनम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। पूनम जयपुर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। 14 जून 2023 को आरोपी तनुज अपने दोस्तों के साथ पूनम के घर पहुंचा और मारपीट करके उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। पूनम खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागी। इस बीच आरोपी तनुज उसके 11 महीने के बच्चे को उठाकर भाग गया। हालांकि आरोपी तनुज बार बार उसे अपना बच्चा बता रहा है। फिलहाल पुलिस तनुज के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है।